जितने भी लोग आज गोरखपुरिया भौजी के विरोध में वीडियो बना रहे हैं, हम उन लोगों से बस एक ही बात पूछेंगे कि पर्सनली गोरखपुरिया भौजी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है तो बताओ, अगर पर्सनली तुम्हारा कुछ नुकसान किया है तो बताओ, और तुम लोग ब्यूज गोरखपुरिया भौजी को जो है बदनाम करने की कोशिश में लगे हो, ये बताओ अगर गोरखपुरिया भौजी को जेल हो जाती है तो तुम्हारा क्या फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ गोरखपुरिया भौजी को फांसी हो जाती तो उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, बस ये बताओ। खाली तुम लोग एक कंट्रोवर्सी खेल रहे हो और एक रेस लगी हुई है, एक दूसरे को आगे बढ़ने की जो रेस लगी हुई है उस रेस में तुम लोग हिस्सा लेना चाहते हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जलन है, जलन। आज जो गोरखपुरिया भौजी तुम लोगों की नजर में गलत है, उसी गोरखपुरिया भौजी के पीछे तुम लोग कैमरा लेके घूमते थे, आगे कैमरा लेके घूमते थे। आने वाली है, टेंशन ना लो, आएगी ना तो देखो क्या करने वाली घोट लेगी। और आज 2,01,000 सब्सक्राइबर लेकर के तुम लोग उसका विरोध कर रहे हो। ये मैं कह रहा हूँ, ये यूट्यूब फैमिली, अगर यूट्यूब फैमिली की मेंबर ने गलती किया है तो फैमिली जो है उसका सपोर्ट करती है, फैमिली उसका सपोर्ट करती है। नहीं कि अगर फैमिली का एक बंदा गलत कर दिया तो पूरी फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है। तुम लोग कितना भी उसके खिलाफ वीडियो बनाओगे ना, अगर थोड़ा रो दोगे तो किस नाम की यूट्यूब फैमिली है? यूट्यूब फैमिली इसी नाम की है कि फैमिली का मेंबर एक गलती कर दिया तो पूरे घर वाले मिलकर के उसको घर से बाहर खदेड़ दें। अरे अगर पांच अपने चार लड़के होते हैं ना, एक लड़का नालायक निकल जाता है तो उसको सब लोग भले बुरी नजर से देखते हैं, अगर उस लड़के के ऊपर कोई मुसीबत भी आती है तो उस फैमिली के मेंबर एक होकर उस मुसीबत को दूर करते हैं। दोस्तों किसी चीज से जो है इन लोगों को नहीं बिउ जा रहा है, किसी कोई चीज की कंट्रोवर्सी नहीं चल रही, तो अब ये लोग यूपी बिहार के ऊपर आ गए हैं, इनको व्यूज नहीं मिल रहा, तो अब ये लोग अपने व्यूज के लिए, अब तक तो मतलब एक दूसरे यूट्यूबर को लड़ाते थे लोग, लेकिन अब ये यूपी बिहार की बात कर रहे हैं कि हम बिहार से हैं, यूपी से हैं, और हम बिहार से होकर के यूपी में जाते हैं तो यूपी में हमारा मान सम्मान मिलता है, हमको मान सम्मान मिलता है, तो यूपी वाले लोग हमसे जल रहे हैं। बड़का दादा हम है ना, तो अबे कमीने, राजा महाराजा हम। हम तुमको ये बता दें, हमारा यूपी अपने मेहमानों को बहुत अच्छे से खातिर भाव और स्वागत करता है, लेकिन जब तक वो मेहमान अपने हद में रहेंगे तब तक, और अगर घर में घुस करके तुम लोग आस्तीन के सांप वाला काम करोगे तो ऐसे हैं यूपी वाले कि तुम्हारी जो है मारा ना ऐसा जगह के पनीर पिए के नाम मौका मिलेगा। दोस्त भी है, दोस्ती भी दिल जान से निभाते हैं और दुश्मनी भी दिल जान से निभाते हैं, तो ना तो यूपी वाले बुरे हैं ना तो बिहार वाले बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यूपी बिहार के नाम पे कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं और एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। कुत्ता इतना भोका था कि क्या बता। तू ये नहीं सोच रहा कि तेरे इस वर्ड से तू जो बोल रहा है यूपी बिहार कर रहा है, तेरे वजह से यूपी बिहार का भाईचारा खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, वो हाल तू कर रहा है, तेरी वजह से होगा कुछ नहीं, लेकिन तेरी वजह से चार बिहारी को और बदनाम किया जाएगा और तेरे साथ साथ बिहार को भी बदनाम किया जाएगा, और तुझे गाली देने का मतलब है कि पूरे बिहार में एक वो था सुअरवा समीर, दूसरा ये हो गया है, ये तो हाथ धो के एकदम गोरखपुरिया भौजी के पीछे देखो मर्द है, एक औरत के पीछे पड़ के इतना है। देखिए गोरखपुरिया भौजी के पीछे जितने भी लोग पड़े हैं कुछ नहीं, बस एक जलन है सबको गोरखपुरिया भौजी से कि इतना कुछ करने के बाद भी वो इतना आगे कैसे है, वो इतनी उसको पब्लिसिटी कैसे मिलती है, उसके पास दो दो चार पहिया गाड़ियां कैसे हो गई, वो मतलब इतना संपन्न कैसे रहती है, और कुछ नहीं है। पर्सनल तौर पर गोरखपुरिया भौजी ने किसी का क्यों कोई कुछ बिगाड़ा हो तो बताओ। बुझाता क्यों तो खेत तो जाके काट ले आती है, क्यों के घर अपने नावे के ले ले, ले बाटी। जितने भी लोग आज उनके विरोध में वीडियो बना रहे हैं, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम गाली गलौज कुछ नहीं कर रहे, बस आप लोगों से एक सवाल का जवाब हमको दीजिए, क्या पर्सनली गोरखपुरिया भौजी ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है पर्सनली, बस खाली लोग देख करके, ज्यादातर लोगों को तो जलन है कि हम लोगों से आगे है और आगे निकलती जा रही है, हम भी यूट्यूबर हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, तो उसके पास चार पहिया गाड़ी दो दो ठो हो जा रही है, जहाँ जा रही तहाँ उसको हजारों लोग घेर ले रहे हैं, उसको मीडिया वाले घेर ले रहे हैं, और हमारे साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? तो कुछ नहीं तो चलो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर ही बोलेंगे तो शायद हम भी वायरल हो जाए, सीधी बात ये है। सुधर जो रे, सुधर जो है पहाड़िया का है, सुधरत नहीं बटे रे, तो समाज नहीं मिला तो डॉलर नहीं बना तेरे करे कुत्ता होगा, तो समाज में रहना है तो इज्जत करना सीखो और इज्जत तभी पाओगे। अपने बेटा के ऊपर आयल थे इतना तोर के तकलीफ होई लगा, तो वो तो तिंठी बिटियन के छोड़ के बेचारी वैसे उनकर ऊपर विपद पड़ल बा, आते वही में और नमक छिड़कता थे तो नमक छिड़कत रहते आ जाते ना, जनबे ना कह ली कि आयल बटे ने तो गई लती ना तो हम तोर वही जतिया बना दे। दोस्तों देखिए हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, हर इंसान के अंदर बुराई होती है, लेकिन अगर कुछ समय के लिए हम सबसे कह रहे हैं कुछ समय के लिए अगर गोरखपुरिया भौजी को भौजी के बुराइयों को किनारे करके अच्छाइयों को सामने लाया जाए तो देखिए उनके अंदर अच्छाई भी है। रही बात दूसरी, आप लोगों का यही रवैया, आप लोगों की यही चाल किसी की जान ले चुका है और दोबारा फिर आप लोग वही कर रहे हैं,
मालती चौहान जब चिल्लाती रही कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, किसी ने नहीं सुना। सब लोगों ने उसको गालियां दी, उसके ऊपर हमने भी दिया। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैंने भी उनकी बात नहीं सुनी। सब लोगों ने उनको गाली दिया, उनको बुरा भला कहा, इतना ज्यादा उनको टॉर्चर किया गया। भैया जिसको 100 लोग गाली देंगे उसका दिमाग क्या कहेगा? आप खुद उस जगह पे अपने आप को रख करके देखिए, अगर आपको कमेंट में भर भर के गालियां मिले, शॉर्ट वीडियो में रिमिक्स करके भर भर के गालियां मिले, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? जिस समाज के लिए आपने इतना योगदान दिया, जिस समाज को आपने खुश रखने के लिए इतना कुछ किया, आपकी वजह से हजारों सैकड़ों यूट्यूबर आज कमा खा रहे हैं, और वही यूट्यूबर चंद व्यूज के लिए आपको गालियां दें, आपको मतलब जो शब्द नहीं कहना चाहिए वो शब्द कहें, तो हर इंसान आत्महत्या सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएगा। और आज आप लोग फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं गोरखपुरिया भौजी के साथ। 6 महीना साल भर भी नहीं हुआ, फिर नाटक चालू हो गया। और जितने लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, कल को अगर कोई बात बन बिगड़ गई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वही लोग, भगवान ना करें ऐसा, वही लोग वहाँ पे जाएंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, माफी मांगेंगे और फिर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, क्या करें। तो दोस्तों अभी भी समय है, सुधर जाइए, अपनी फैमिली को समझिए, यूट्यूब फैमिली को समझिए, इसे जंग का मैदान मत बनाइए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए। कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाने के और भी तरीके होते हैं, यही तरीका नहीं है कि आप उसको गाली दें, उसके बारे में बुरा भला कहें, तो ऐसे आदमी और बिगड़ता है, सुधरता नहीं है। तो हम लोग आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि ये गाली गलौज अनाप शनाप बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे तो भैया मजबूरी है, कहते हैं पहले बात से ना माने मुलाकात से, और उसके बाद भी अगर ना माने तो लात से। तो अभी बात से समझा रहे हैं, आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, 2, 10, 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन अगर आपको समाज में कैसे रहना इसका ज्ञान नहीं है, यूट्यूब पर कैसे रहना इसका ज्ञान नहीं है, कौन सा शब्द बोलना इसका ज्ञान नहीं है, तो आप यूट्यूब के लायक हैं ही नहीं। सिर्फ आप उस लायक हैं कि आप इनके उनके बारे में बोलिए, व्यूज बटोरिए, पैसा कमाइए, बस ये आवेला। ठीक है, तो मर्डर के नाम पे कुल टैलेंट दिखाइए, टैलेंट आपके अंदर कुछ हो तो टैलेंट दिखाइए। रारू खान नौटंकी कैले बाटे, खेला कैले बाटे, समझी ना। किसी के सपोर्ट में नहीं बात करें, बस ये बात करें, अगर फैमिली आप लोग चिल्लाते ना यूट्यूब फैमिली, अगर भैया यूट्यूब फैमिली है तो आपके फैमिली का कोई मेंबर गलत करता है तो क्या करते हैं आप? गाली देते हैं, मारते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जाने दो, गलती हो गई, छोड़ दो। तो अगर गोरखपुरिया भौजी भी इसी यूट्यूब फैमिली की हैं, अगर उन्होंने गलती की या ना की वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आज उनके ऊपर मुसीबत है तो आपको उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। क्या फायदा हो जाएगा? साथ नहीं दे रहे तो विरोध भी मत करो। फायदा क्या हो जाएगा मुझे बताओ, फायदा क्या हो जाएगा? चलिए कल गोरखपुरिया भौजी को जेल हो जाती, फांसी हो जाती, 10-20 साल की सजा हो जाती, तुमको क्या फायदा होगा? बस एक फायदा होगा, मुझे पता है, फायदा ये होगा कि वो रेस से बाहर निकल जाएंगी और जितने लोग हैं वो आगे आ जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए तो ऐसा वो कर रहे हैं लोग, अपने पे आ रहे हैं, अपने औलाद का आ रहे हैं, तो तुम्हें वो बोल रहा है जंग छोड़ूंगा। आज भूल गए सब लोग, वही गोरखपुरिया भौजी, हजारों सैकड़ों वीडियो पड़े होंगे सबके चैनल पे, उसी गोरखपुरिया भौजी के पीछे आप लोग घूमते थे, गोरखपुरिया भौजी को प्रणाम करते थे, गोरखपुरिया भौजी के साथ वीडियो बनाते थे। आज गोरखपुरिया भौजी आप लोगों की नजर में गलत हो गई तो कल ऐसे बैठे रहते थे पीछे पीछे, जिसका भाभी टुकड़वाई थी फेंक कर खा ले, कल को तुम भी किसी की नजर में गलत हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो देखिये हमारे कहने का सीधा मतलब है, अगर यूट्यूब को आप लोग फैमिली समझते हैं, अगर फैमिली का कोई मेंबर गलती करता है तो उसको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, उसको फैमिली में रखा जाता है, और अगर फैमिली के मेंबर के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत को पूरी फैमिली डट के मुकाबला करती है, उसको दूर करती है। अरे आज हम फंसे हैं, कल आप भी फंस सकते हैं, तो आज आप जैसे दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही बंदा आपको फंसाने की कोशिश करेगा, और आपसे ज़्यादा उसके पास पावर है, ये बात आप भूलिएगा मत। मैं तो कभी देखी नहीं, कभी उन्हें के ऊपर सभी लोग एक एक पैदा हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वीडियो बनाते, वो कभी किसी के बारे में बोलिए, एक बार दो बार बर्दाश्त करती है, तीसरा बार वो छोड़ती नहीं है, कभी किसी के सपोर्ट किसी का अगर उन्होंने नाम लिया हो, किसी का कुछ पर्सनली अगर बिगाड़ा हो तो बताइए,